का भी देश है, किताबों में ये है कौन देखिए कौन कौन मतलब जनरा मकई लगाया जाता है। टेस्ट ऑफ गार्लिक ब्रेड जलपिनो एंड कॉर्न टू टॉपिक उसके बाद मोज़रेला चीज जाता है हल्का सा उसके बाद इसको बंद करना पड़ता है इस तरीके से और अच्छे से स्टॉप करना पड़ता है एक साइड से ये हमारा स्टॉप गार्लिक ब्रेड जलपिनो एंड कॉर्न बन के रेडी है गया है बस पकाना है इसको अब इसको स्लाइस में अब काटा जाता है फाइव स्लाइस उसके बाद इसमें ऑयल लगाया जाता है ऑयल में हल्का सा पाउडर मिला के ये वाला पाउडर हल्का सा मिलाना पड़ता है इसके बाद इसमें ओवन में पकाया जाएगा ये हमारा ओवन ये चूल्हा जो बोल लो साथ में पिज्जा भी है ये हमारा स्टफ गार्लिक ब्रेड आते हुए ये ओवन में एक बार पका हुआ है इसमें तेल लगाया जाता है फिर से तेल लगाया जाता है ताकि अच्छे से पक जाए फिर से ओवन में पकाया जाएगा इस तरीके से डाल दिया जाएगा डाल दिए थोड़ा देर पकेगा और एक बार ओवन से निकल ये स्टफ गार्लिक ब्रेड जलपिनो एंड कॉर्न एकदम पक के रेडी हो चुका है लजीज एंड टेस्टी।
होती है इन्हें, और इसको काटा जाएगा पिज़्ज़ा कटर से। ये हमारा पिज़्ज़ा कटर, रेजी हो चुका है, इसमें हल्का सा ये पाउडर दिया जाता है, गार्लिक ब्रेड सीजनिंग, गार्लिक ब्रेड सीजनिंग, आहा, डीप भी जाता है, ये हमारा डीप, चटनी भी बोल सकते हैं इसको।